हेलो एवरीवन, आई एम प्रियाशा पाठक और मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न मोर समथिंग न्यू में आज लेकर आई हूँ कि कैसे आप मास नंबर को ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। आप 2 मिनट में ही सारे 1 से लेकर 30 एलिमेंट्स को ट्रिक से बिना लर्न करे आपको ट्रिक से सॉल्व कर लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि मास नंबर होता क्या है। उसके बाद ही तो हम मतलब किसी ने पूछ लिया कि मास नंबर क्या होता है तो आपको आना चाहिए। बेसिकली मास नंबर इज़ नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मींस कितने जितने भी एटम में प्रोटोन होते हैं उनको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से प्लस कर देना। अब आपकी जो ट्रिक है मास नंबर को कैलकुलेट करने के लिए वो क्या है कि अगर आपका जो एटॉमिक नंबर है वो इवन है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इवन मींस जो 2 की टेबल में आता हो। इफ एटोमिक नंबर इज इन इवन मल्टीप्लाई बाय 2। और मास नंबर लाइक 2 की टेबल में कौन सा 2, 4, 6, 8 तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और अगर आपका एटोमिक नंबर ऑड है, ऑड मीन्स 1, 3, 5, 7 तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 2 ऑल्सो एंड ऐड 1 इन इट, मतलब उसमें 1 भी आपको ऐड करना है। तो आपका फॉर्मूला फॉर द ऑड नंबर इज एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। सो हम लोग अब डायरेक्टली एटॉमिक नंबर से मास नंबर कैलकुलेट करेंगे। जैसे 1 है तो आपको यूनिवर्सल पता है कि हाइड्रोजन जो होता है उसका मास नंबर 1 ही होता है, उसको छेड़ना नहीं है हमें। ये ऑड नंबर है मगर इसको 1 का 1 ही रहने देना है। सेकेंड इज हीलियम, हीलियम इज इवन 2 मल्टीप्लाई 2 4। लिथियम इज 3, इट इज ऑड तो ऑडियस 2 मल्टीप्लाई 3, इसका एटॉमिक नंबर +1 = 7। अब बेरिलियम है 4 है तो ये एक्सेप्शनल केस हैं। बेरिलियम और नाइट्रोजन जो होता है वो एक्सेप्शनल केस होता है। बेरिलियम 4 होने के बाद भी इसमें 1 प्लस हो जाता है तो इसका मास नंबर जो आता है वो 9 होता है। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, कभी कभी ट्रिक में एक दो चीज़ें लर्न करनी भी होती हैं। 5 बोरोन 5 + 2 + 1 = 11। कार्बन 6 × 2 = 12। नाइट्रोजन 2 × 7 = 14, मीन्स एक्सेप्शनल केस है, ऑड नंबर होने के साथ भी इसमें प्लस नहीं हुआ है 1। ऑक्सीजन 2 × 8 = 16। फ्लोरीन 9 तो 2 × 9 + 1 = 19। नेक्स्ट इज नियॉन, नियॉन आपको पता है नोबल गैस है तो 2 × 10 = 20। नाउ सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 तो ये भी आपको पता है ऑड है, 2 × 11 + 1 = 23। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है 12, 2 × 12 = 24। मींस आपको 1 से लेकर 24 में बस कुछ भी नहीं, खाली हाइड्रोजन आपको पता है ये 1 है। बेरिलियम और नाइट्रोजन का लर्न करना है। ये अपोजिट केस हो जाते हैं कि बेरिलियम का 4 है, इवन नंबर होने के साथ होने के बाद भी इसको 1 से प्लस किया जाता है तो कितना आ जाता है 9 आ जाता है। और नाइट्रोजन में ये ऑड नंबर है, इसमें 1 प्लस नहीं होता, इसके बाद भी इसका मास नंबर 14 ही रहता है। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर 13, 13 इज़ फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 13 + 2 + 1 = 27। 14 सिलिकन, सिलिकन का होता है 14 × 2 = 28। 15 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का होता है 15 × 2 + 1 = 31। नेक्स्ट इज 16 सल्फर, सल्फर का होता है 16 × 2 = 32। अदर वन 17 क्लोरीन, क्लोरीन भी एक्सेप्शनल केस है, इसमें हम 1 की जगह जबकि ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में 1 प्लस करते हैं मगर इसमें 1.5 प्लस करते हैं। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी मैंने बताया था आपको कि एक्सेप्शनल केस होता है, इसी वजह से इसमें 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं। और आगे हम आगे आएंगे जब कॉपर, कॉपर का भी एक्सेप्शनल केस होता है तो उसमें भी ऑब्वियसली मास नंबर भी एक्सेप्शनल होगा तो इसका कितना हो जाएगा 35.5। ये आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज आर्गन, आर्गन भी एक्सेप्शनल केस है, नोबल गैस होने के साथ इसमें 19 से होना चाहिए था, ये 18 मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए था मगर ऐसा नहीं हुआ, ये डायरेक्टली इसका 40 होता है।
तो आपको फोर लर्न करने हैं, बेरिलियम, सेकेंड वन इज़ नाइट्रोजन, थर्ड वन इज़ क्लोरीन एंड आर्गन। 20 से लेकर आपको उसमें खाली फोर लर्न करने हैं। नेक्स्ट इज 19 19 का पोटेशियम 19 × 2 इज इक्वल टू 1 + 39, 20, कैल्शियम 40। अब 1 से लेकर 20 तक तो ये ट्रिक काम करती है, मगर आप अगर आप आगे जाएंगे तो उसमें एक ट्रिक काम करती है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि आपको नंबर्स लर्न करने पड़ेंगे। नंबर्स कौन से होते हैं कि 21 से लेकर 30 तक जो होंगे वो मैं आपको आपको मैं डिक्टेट कर रही हूँ, तो आप उसको लिख लीजिएगा। 21 से लेकर 30 तक आपके जो नंबर आते हैं वो इस तरह से आते हैं, 3 4 5, मतलब 21 से लेकर 30 तक आपको मल्टीप्लाई 2 से ही करना है। उसमें जो प्लस करने हैं वो डिजिट्स इस मतलब लाइन वाइज इस तरह से होंगे, 3, फिर उसके बाद 4 प्लस करना होगा, फिर 5 होगा, फिर 4, देन 5, देन 4, देन 5, देन 3, देन 6, देन 5.5, देन 5। तो इस तरह से 21 21 × 2 + 3 45, 22 × 2 + 4 इज इक्वल टू 48। देन वेनेडियम का है 23 × 2 = 5 51, देख लीजिए वही आ रहा है ना, 3 4 5, फिर मैंने 4 बताया था, फिर 5 बताया था। क्रोमियम 24 × 2 = 48, 4 + 4 = 52। मैंगनीज, मैंगनीज का 25 × 2 = 50 + 5 = 55। फेरस, फेरस का आपका 26 × 2 + 4 56 56। नेक्स्ट कोबाल्ट, कोबाल्ट का 26 7 × 2 = 54 + 5, वही आ गया 4, देखिए 3 4 5 4 5 4 5, मतलब 3 बार आएगा, 4 5 4 5 3 टाइम्स रिपीट होंगे, तो ये बहुत इजीली ट्रिक है। उसके बाद आपका फिर अगेन 3 आ जाएगा निकल में, 28 × 2 = 56 + 3 = 59। अगेन कॉपर, कॉपर एक्सेप्शनल केस है, तो आप 29 × 2, अब देखिए इसमें एक सिमिलरिटी जो है वो ये है, क्लोरीन और कॉपर बोथ में 0.5 आता है लास्ट में, 0.5, इसमें 35.5 था, इसमें जो प्लस हुआ था वो 1.5 हुआ था, और अकॉर्डिंग टू दिस रूल 20 तक यही रूल फॉलो हो रहा था कि 1 ही प्लस कर रहे थे हम, उसमें 1.5 प्लस हो जाएगा, मगर कॉपर 21 के बाद हम 5 तक प्लस कर रहे हैं, तो इसमें 5.5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा याद नहीं करना आपको, 2 + 5.5, क्योंकि 5 तक गए, 5 से ऊपर नहीं गए हम लोग, तो इसका जाएगा 58 + 5.5 = 63.5, जिंक इज 60 + 5, 65। इजी है ना, तो आपका जो नंबरिंग है वो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, 21 से 3 4 5 4 5, अगेन 4 5, देन 3, फिर 5.5 और 5। देखो इजी है, 3 एक बार आएगा, फिर 4 5 4 5 3 टाइम्स, फिर 3 आएगा अगेन, फिर और लास्ट डिजिट 5 है, तो इसलिए इसमें हमने कॉपर के केस में 5.5 कर दिया, देन 5। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे ट्रिक्स थी मास नंबर्स की, 1 से लेकर 30 एलिमेंट्स तक, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट, 1 to 30 एलिमेंट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।